पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रिस्त में मेरे प्यारे बच्चों, आप सबों को मेरा जय यीशु। आज आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि यह आप लोगों का कैटिसम क्लास का आखिरी क्लास है। हम लोग पाठ 15 में प्रवेश किए थे और पाठ 15 के दूसरे भाग की ओर, उस पाठ का नाम क्या था याद है? समर्पित जीवन। तो इस पाठ के दूसरे भाग की ओर हम आज प्रवेश कर रहे हैं, जो हमारे 9वीं कक्षा के आखिरी पाठ का आखिरी भाग है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबों को मैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और हम सब ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि ईश्वर ने हमें इस साल ऑनलाइन क्लासेस द्वारा, विशेष रूप से इस यूट्यूब चैनल में डालकर, हमारे डायसिस के द्वारा हमें यह कैटिसम क्लासेस प्रदान किए गए थे। इसलिए इसके पीछे काम किए सभी लोगों को, विशेषकर हमारे डायसिस को, हमारे बिशप स्वामी को हम धन्यवाद दें, और सीएलसी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर फादर रेवरेंड फादर कुरियन को भी हम धन्यवाद दें, क्योंकि उनके ही श्रम द्वारा इस साल के कैटिसम क्लास इस तरह यूट्यूब में डालकर सबों को, हमारे डायसिस में जो कोई भी क्रिस्तीय बच्चे हैं, सबों को यह उपलब्ध होने के लिए उन्होंने बहुत परिश्रम किया है। और हम हमारे सभी टीचर्स के लिए भी धन्यवाद दें, ताकि क्योंकि उन्होंने हमें कैटिसम क्लास अच्छी तरह सिखाने की कोशिश की, और हम भी इस साल चर्च में नहीं आ सके ज़्यादातर, और कैटिसम क्लास में भाग नहीं ले सके अपने दोस्तों के साथ, लेकिन हम घर बैठकर हमारे विश्वास के जीवन के बारे में हमने सीखा, और यह कैटिसम क्लास हमारे लिए ईश्वर की कृपा द्वारा हमें मिली थी। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद दें, और हमारे डायसिस को, हमारे बिशप जी को और फादर जी को भी धन्यवाद दें, और हमारे सभी टीचर्स को भी हम धन्यवाद भरे हृदय से उन्हें याद करेंगे। प्यारे बच्चों, आज हम, जैसे मैंने कहा, समर्पित जीवन का दूसरा भाग जब हम सीखेंगे, इन सन्यासी व्यक्तियों के जीवन के बारे में, वे किस प्रकार कलीसिया से जुड़े रहते हैं और किस प्रकार हम सबों को भी कलीसिया एक समर्पित जीवन की ओर आह्वान दिलाते हैं, यह भी हम सोचना चाहिए, क्योंकि हम अभी 9वीं कक्षा में हैं, अगले साल 10वीं में, और ऐसे ऐसे हम अपने भविष्य के बारे में मनन चिंतन करते आ रहे हैं, है ना। हमें एक प्लान है, तो उस प्लान के अनुसार आगे बढ़ने के लिए भी हम भी कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे क्रिस्तीय जीवन में समर्पित जीवन एक ईश्वर का एक महत्वपूर्ण बुलाहट है। इस बुलाहट को भी सोचने, मनन चिंतन करने की भी हम कोशिश करें। क्या आप सब खुश हैं? खुश है ना? हम सब खुश रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें ईश्वर ने इतना प्यार किया कि हमें हर पल सुरक्षित रखा, सभी घटनाओं से, बीमारियों से बचाए रखा। तो हर समय पर हम ईश्वर को धन्यवाद देते हुए, ईश्वर में आनंदित रहते हुए हम हमारे जीवन बिताना चाहिए। और इसीलिए तो हम जब एक दूसरों को मिलते हैं, तब हम कैसे अभिवादन करते हैं? जय यीशु, यानी यीशु जो हम सब में निवास करते हैं, उस यीशु को हम वंदन देते हैं, धन्यवाद देते हैं, आभारी के साथ हम जय यीशु कहते हैं। प्यारे बच्चों, हमने देखा कि समर्पित जीवन में प्रवेश करने के पहले किस प्रकार ईश्वर उन लोगों को बुलाते हैं, चुनते हैं, और समर्पित जीवन यानी सन्यास जीवन वह ईश्वर के राज्य का चिन्ह है। सन्यास जीवन ईसा मसीह के निकटमय अनुकरण है।
किस प्रकार संन्यास लोग अपने जीवन को व्रत लेते हुए, तीन व्रत कौन कौन से थे, आज्ञाकारी, ब्रह्मचारी और निर्धनता, यानी ओबीडियंस, चास्टिटी एंड पॉवर्टी, इन व्रतों को लेते हुए वे अपना त्यागमय जीवन ईश्वर के कार्यों में लगाते हैं और उसका प्रतिफल हम मानवों के बीच बांटा जाता है। तो एक बार जब एक धनी युवक जब आकर ईसा से पूछते हैं कि भले गुरु मैं अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, तो हमने गए क्लास में सुने कि अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए ईसा क्या कहते हैं, जो कुछ भी धन संपत्ति हमारे पास है वह सब भेज कर ईसा के पीछे हम हो लेना चाहिए, तभी हम स्वर्ग राज में प्रवेश कर सकते हैं। तो हमारे लिए धन संपत्ति क्या है, हमारे लिए धन संपत्ति हमारे माता पिता, हमारे प्रियजन, हमारे इच्छाएं, हमारे जो कुछ भी प्लान्स है वह सब हमारे लिए धन संपत्ति है। तो ईसा मसीह पूछते हैं कि आप अगर यह सब छोड़कर मेरे पीछे आना चाहते हैं तो आप अनंत जीवन या पूर्णता का एक जीवन प्राप्त कर सकते हैं। और हमने जैसे पढ़ा गए क्लास में कि कई लोग इस पूर्णता के जीवन को प्राप्त करने के लिए सन्यास लाइफ, सन्यास जीवन उन्होंने स्वीकार किया था और वह सन्यास जीवन आज भी कलीसिया द्वारा जारी है। आज हम कुछ बातों पर मनन चिंतन करें। पहला, सन्यास जीवन कलीसिया में एवं कलीसिया के प्रति। तो पवित्र कलीसिया में ही क्रिस्तीय सन्यास जीवन का स्थान है। प्रत्येक सन्यास समूह को अपना स्वभाव तथा गतिविधियां पवित्र कलीसिया के भलाई के हेतु है, यानी हरेक कलीसिया, हरेक सन्यास समूह को अप अपने प्रायोरिटीज है, अप अपने कैरिसम्स है। हरेक सन्यास जीवन प्रायोरिटी देते हैं। कैसे देते हैं, सबसे पहले ईश्वर को देते हैं, फिर कलीसिया को देते हैं, फिर समूह को देते हैं। इस प्रकार प्रायोरिटी देते हुए वे अपना समर्पित जीवन बिताते हैं। तो कलीसिया के विकास के लिए सन्यासी लोग समर्पित बनते हैं। पवित्र आत्मा के प्रेरणा के अनुसार वे मसीह तथा कलीसिया के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। तो मैंने जैसे कहा, सभी सन्यास संस्थाओं को अब अपना कैरिसम्स है, अलग अलग कैरिसम्स पवित्र आत्मा की कृपा द्वारा उन्हें मिला हुआ है। वह और थोड़ा आप लोग आगे जाते समय कैरिसम्स के बारे में गहराई में सीखेंगे। तो हर एक संस्था को, सन्यासी संस्था को कैरिसम दिया है, किसी को एजुकेशन का, किसी को गरीब लोगों को देखने का, किसी को वृद्ध लोगों को देखने का, किसी किसी को फैमिली अपोस्टलेट है, किसी किसी को ऑर्फनेज है। ऐसे अलग अलग प्रकार के अपोस्टलेट यानी कैरिसम्स के द्वारा वे ईश्वर के राज्य को हमारे बीच में लाते हैं। और लेकिन सबसे लक्ष्य, मुख्य लक्ष्य क्या है, ईश्वर के राज्य को इस धरती पर लाना समर्पित जीवन द्वारा सन्यासी लोग करते हैं। तो सभी सन्यासी समूह को कलीसिया के जीवन में भागीदार होना चाहिए। तो जो कुछ कार्य सन्यास लोग करते हैं, सन्यासी पुरोहित और सिस्टर्स करते हैं, वह सब किस पर निर्धारित करते हैं, कलीसिया पर निर्धारित। और इस प्रकार वे अपने अपने आदर्श के अनुरूप अपनाते हुए, शक्ति बढ़ाते हुए ईश्वर के राज्य को हमारे बीच प्रकट करते हैं। दूसरी बात, सन्यास जीवन कलीसिया में एवं संसार में। तो सन्यास जीवन जो कोई जीते हैं वे कलीसियाओं के द्वारा संसार में भी उनका यह जीवन फैला हुआ है। तो ईश्वर के साथ निरंतर संबंध रखते हुए मनन चिंतन के जरिए सन्यासियों ने जो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया वह पवित्र कलीसिया के लिए हमेशा एक बड़ी आध्यात्मिक संपत्ति रही।
पवित्र ग्रंथ का अनुवाद, आध्यात्मिक ग्रंथों की रचना आदि द्वारा आदिम कलीसिया के सन्यासियों ने कलीसिया की आध्यात्मिकता की पूंजी बढ़ाई। तो आज प्यारे बच्चों, आज अगर हमारी कलीसिया आध्यात्मिकता में इतनी रिच है, यानी इतना रिच है कि हमारे पूर्व सन्यासी लोगों ने आध्यात्मिकता का एक पूंजी बनाए रखे हैं, श्रेष्ठ संतों ने, श्रेष्ठ पंडितों ने हमारे कलीसिया की आध्यात्मिकता को रखा, और इसलिए आज हमारी आध्यात्मिकता स्पिरिचुअलिटी बहुत ही गहराई है। अपना प्रार्थना, वृद्धवत जीवन तथा नाना प्रकार के सेवा कार्यों द्वारा सन्यासी जन कलीसिया में महत्वपूर्ण सेवा कार्य करते आ रहे हैं। हमारे स्वर्गीय संत जॉन पॉल द्वितीय इस प्रकार कहते हैं, समर्पित जीवन एक ऐसा जीवन है जो कलीसिया के हृदय में है। इसीलिए सन्यास जीवन एक उपहार है जिसे पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया को प्रदान करता है। तो यह एक मौल्यवान प्रेशियस लाइफ है, रिलीजियस लाइफ, समर्पित जीवन एक प्रेशियस लाइफ है। इसलिए हमारे पापा जॉन पॉल द्वितीय कहते हैं कि वह कलीसिया का हृदय है। हमारे पापा फ्रांसिस कहते हैं कि अभी इस काल पर संसार में विभिन्नताएं हैं, विभाजिकताएं हैं, अशांति है, और यहाँ पे निस्वार्थ प्रेम और सेवा कौन कर सकता है? सिर्फ सन्यासी जीवन बिताने वाले कर सकते हैं। तो पापा फ्रांसिस हमें यह आह्वान देते हैं कि इस टूटी फूटी दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए सन्यस्त जीवन की जरूरत है, क्योंकि वे ही ईश्वर के कार्यों को आगे बढ़ा कर ले जा सकते हैं। तो इस प्रकार हमने कहा कि सन्यास जीवन कलीसिया में और संसार में है, इसीलिए हम देखते हैं विद्यालय, अस्पताल, अनाथालय, और जो मंदबुद्धि बच्चे हैं उनके लिए, अपंग बच्चों के लिए, उन संस्थाओं और अलग अलग संस्थाओं को स्थापित करते हुए आज के दीनहीन लोगों के लिए, गोर गरीब लोगों के लिए, और जहाँ कहीं ईसा मसीह का सुसमाचार पहुँचना है वहाँ सब इन सन्यास जीवन के द्वारा यह सब कार्यों में लगे रहते हैं, और बहुत सारे लोग इन संस्थाओं के जरिए शांति, आनंद और ईश्वर के प्रेम का अनुभव दूसरों तक पहुँचाते हैं। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, यह सन्यास जीवन बहुत ही मौल्यवान और प्रेशियस ईश्वर का बुलाहट है, और आज भी यह सन्यास जीवन कलीसिया के द्वारा कलीसिया में, संसार में यह फैला जाता है, ईश्वर के राज्य को बनाया जाता है। और आखिर, एकदम आखिर हम इस पॉइंट की ओर ध्यान देंगे, बुलाहट वह ईश्वर का दान है। हमने पुरोहिताई अभिषेक के बारे में संस्कार में जब मैंने आप लोगों को सिखाया, मैंने कहा कि वह एक बुलाहट है। विवाह के संस्कार में जब हमने पढ़ा, वहां पर भी मैंने कहा कि वह एक ईश्वरीय बुलाहट है। इसी तरह समर्पित जीवन में हमारी बुलाहट ईश्वर की एक दान है, वह भी एक ईश्वर का बुलाहट है, एक ईश्वर का दान है। डिवाइन कॉल, वोकेशन, सिस्टर बनने, पुरोहित बनने, सन्यस्त बनने, यानी समर्पित जीवन बनने, वह एक ईश्वर का एक चुना हुआ एक बुलाहट है। यह बुलाहट किस लिए है? ईश्वर के राज्य को इस धरती पर पूरा करने, ईश्वर के राज्य का स्थापना करने। हम संत मती के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 1 से पढ़ते हैं, किस प्रकार परमेश्वर कहते हैं कि धन्य है वे जो स्वर्ग राज के लिए अपना जीवन बिताते हैं, ना, धन्य है वे जो अपने को दीन हैं समझते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है, धन्य है वे जो नम्र है
उन्हें प्रतिज्ञा देश प्राप्त होगा। धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। धन्य है वे जो दयालु है, उनकी दया की जाएगी। जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। तुम्हारे पहले ही नबियों पर भी उन्होंने इसी, यानी धन्य है हमारे जीवन, जो कोई स्वर्ग राज के लिए सहते हैं उन्हें स्वर्ग राज प्राप्त होगा। इसलिए जब भी शिष्य लोगों ने ईसा से कहा कि हम, जब पेत्रुस ने पूछा कि हमने सब कुछ छोड़कर आपके पीछे हम आ गए हैं और हमें क्या मिलेगा, पर यीशु कहते हैं कि तुम्हें स्वर्ग राज मिलेगा, जो कुछ अभी है उससे भी 100 गुना ज्यादा तुम्हें दिया जाएगा, स्वर्ग राज तुम प्राप्त करोगे। तो ईश्वर की बुलाहट, ईश्वर के पीछे चलने पर हमें स्वर्ग राज प्राप्त होगा और हम इस स्वर्ग राज को यहाँ स्थापित करने के योग्य बन जाएंगे। तो ईश्वर के बुलाहट, ईश्वर के मनुष्यों के लिए, मनुष्यों के प्रति ईश्वर का एक बहुत बड़ा दान है। मनुष्य नहीं बल्कि ईश्वर यह चुनाव करता है। इसलिए यिर्मयाह ग्रंथ में यिर्मयाह नबी से परमेश्वर कहते हैं, माता के गर्भ में मैंने तुमको रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया, मैंने तुमको राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया है। तो ईसा मसीह शिष्य लोगों से कहते हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना। इसलिए मैंने कहा मनुष्यों के प्रति ईश्वर का बुलाहट है, चुनाव है यह बुलाहट। तो हम अपने जो संन्यास्त जीवन है, वे लोग वृत जीवन द्वारा ईश्वर के कार्य में लगे रहते हैं और आज भी ईसा मसीह सभी युवक युवतियों को इस समर्पित जीवन की ओर बुलाते हैं और ईसा कहते हैं कि मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। हमें पता है संत पेत्रुस और अंद्रियुस, संत मती, उन सबों को ईसा ने किस प्रकार बुलाया और जब ईसा ने उन्हें बुलाया वे सब कुछ छोड़कर, सब कुछ यानी सब कुछ, अपने माता पिता, भाई, काम, पति, पत्नी, बच्चे, जो कुछ भी अपनी इच्छाएं हैं, हमें ये बनना है, वो बनना है, वो सब इच्छाओं को तोड़ते हुए वे ईसा के पीछे चले आए। तो वही ईसा इस प्रकार आज भी हमें बुलाते हैं कि मेरे पीछे आओ। जब शिष्य लोग ईसा के पास जाकर पूछे कि आप कहाँ रहते हो, तो ईसा कहते हैं आकर देखो, कम एंड सी। प्यारे बच्चों, अगर हमें ईसा के बारे में जानना है, ईसा को प्रेम करना है, तो हमने क्या सीखा, हमें वचन को प्रेम करना है, वचन को पढ़ना है, वचन के साथ आगे चलने से हमें ईश्वर को प्रेम करने की इच्छा पैदा होती है। उसी प्रकार अगर हमें समर्पित जीवन में अपना जीवन समर्पित करना है, अगर हमें संन्यास जीवन स्वीकार करना है, तो इसके बारे में हमें जानना है। तो अगर हमें इसके बारे में जानना है तो इस समर्पित जीवन की ओर हमें कदम रखकर आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी हम यह संन्यास जीवन के बारे में सुन सकेंगे, महसूस कर सकेंगे और हम डिसर्न कर सकेंगे कि क्या हमें समर्पित जीवन में बुलाए गए हैं। तो जीवन के संपूर्ण समर्पण द्वारा ईसा का अपना बनकर ईश्वर की जनता की सेवा करने की बुलाहट को उदारता से प्रतिउत्तर देने के लिए युवक युवतियों का बाध्य है। तो इसी प्रकार कृपा के लिए, हम इस कृपा के लिए यानी ईश्वर की इच्छा को जानने और ईश्वर की बुलाहट जानकर इस बुलाहट की ओर आगे आने के लिए हम प्रयत्न करना चाहिए। और मैंने एक बार एक क्लास में आप लोगों से कहा था कि ईश्वर की इच्छा हमें किस प्रकार मालूम होनी चाहिए। सबसे पहले हमें निरंतर प्रार्थना द्वारा ही हम महसूस कर सकेंगे ईश्वर की इच्छा को। दूसरी बात, निरंतर संस्कारों को हम हमारे जीवन में ग्रहण करते हुए एक पवित्र जीवन बिताने की कोशिश करना। और तीसरी बात, निरंतर ईश वचन को पढ़ना।
और इस वचन के अनुसार अपने जीवन बिताना, क्योंकि अगर हम इस वचन को पढ़े तो हमें ऑटोमेटिकली ईश्वर की इच्छा क्या है वह हम जान सकते हैं, और इस प्रकार हम संन्यास जीवन में या समर्पित जीवन में भी प्रवेश कर सकते हैं। अभी आप लोग नवीं कक्षा में हो, आगे आप लोग अपने जीवन के बारे में सोच रहे हो ना, यह टाइम है जब हम हमारी बुलाहट के बारे में सोचना चाहिए, ईश्वर से हम पूछना चाहिए कि मेरी बुलाहट क्या है, What is your plan for my life? मेरे जीवन में आपके बारे में क्या प्लान है, आपने क्या सोच रखा है, मेरी बुलाहट कहाँ है, समर्पित जीवन के तरफ है या और कुछ बुलाहट है या पुरोहिताई जीवन की ओर है, इसके बारे में हम सोचकर ईश्वर से पूछते हुए हमारे जीवन की बुलाहट को हम पहचान सके। तो प्यारे बच्चों, इस तरह समर्पित जीवन एक बहुत ही प्रेशियस और बहुत ही मूल्यवान बुलाहट है मनुष्यों को ईश्वर की तरफ से, और हम बहुत सारे समर्पित लोगों के साथ रहते हैं, उनको हमारे जीवन में समर्पित भाई बहनों ने हमें सिखाया है, और हम चर्च में भी जाते हैं, तो हमारा कर्तव्य होता है कि हम सभी समर्पित संन्यास व्यक्तियों के लिए निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना करें ताकि वे अपने जीवन ईश्वर के लिए और ईश्वर के राज्य की स्थापना करने के लिए उन्हें शक्ति मिले। तो प्यारे बच्चों, इस तरह हम हमारे कैटिज्म क्लासेस के सभी पार्ट समाप्त हो रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने इस नवीं कक्षा में बहुत अच्छी तरह हमें कलीसिया आराधना करने वाला समूह, इस टॉपिक से लेकर हमें कलीसिया के अनेक कार्यों के बारे में हमने इस नवीं कक्षा के कैटिसम में सीखा है ना, याद है ना। तो हमारा जो उद्देश्य है, हम हरेक क्रिस्तीय व्यक्ति कलीसिया में किस प्रकार हम आगे बढ़ना चाहिए, इसके बारे में हम निरंतर मनन चिंतन करते हुए विश्वास के जीवन में आगे बढ़ने चाहिए। हमने हमारे पाठ के सबसे पहले पाठ में एक समारी स्त्री के बारे में सुने, और उस समारी स्त्री के पास जब ईसा उन्हें अनंत जीवन में प्रकाश डालते हैं, अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है वह समारी स्त्री को पता नहीं था, लेकिन ईसा उन्हें बताते हैं और वह समारी स्त्री उस अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए तैयार होती है और दूसरों को भी ईसा की ओर लाती है। और एकदम आखिरी पाठ में, 15वां पाठ में हमने एक धनी युवक के बारे में सुना है ना, जिसने ईसा के पास आकर, वे आज्ञाओं का पालन तो करते थे लेकिन अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, यह पूछकर वह युवक ईसा के पास आते, और हमने सुना कि ईसा का उत्तर क्या है कि अपने आप को त्याग करते हुए, सब धन संपत्तियां त्याग करते हुए ईसा के पीछे ईसा के जैसे अपने ही क्रूस उठाते हुए ईसा के पीछे आने से हमें सार्वजनिक जीवन या परिपूर्ण जीवन, पूर्णता का एक जीवन, स्वर्गीय जीवन हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार पहले पाठ से लेकर आखिरी पाठ तक हमने कलीसिया में रहकर ईश्वर के जीवन के द्वारा, ईश्वर की वादाओं के द्वारा किस प्रकार हम अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में हमने सीखा, पढ़ा और मनन चिंतन किया है। तो हमारा यह नवीं कक्षा के कैटिसम में याद रखना कि किस प्रकार हम हरेक क्रिस्तीय व्यक्ति, बपतिस्मा लिए हुए हरेक व्यक्तियाँ किस प्रकार हम ईश्वर की आराधना के लिए बुलाए गए हैं। हम उन पाठों को एक बार याद करें, हमने किस प्रकार ईश्वर की आराधना पुराने ग्रंथ और नए ग्रंथ में किए जाते इसके बारे में हमने सुना, चिन्ह और प्रतीक के बारे में, उनके अर्थ के बारे में हमने सुने हैं, पवित्र बलिदान को हमने गहराई से पढ़ा, पवित्र बलिदान किस प्रकार हम चढ़ानी चाहिए, उनका महत्व, पवित्र बलिदान में उपयोग किए हुए चिन्ह और प्रतीक, उनके महत्व, पवित्र बलिदान किस प्रकार एक सर्वश्रेष्ठ आराधना है,
और पवित्र बलिदान के हरेक विधियों को, है ना, प्रारंभिक विधि, वचन विधि, तैयारी की विधि, यज्ञ प्रार्थनाएं, ईश्वर से ऐक्य की विधि और समापन, इस प्रकार अलग अलग विधियों का महत्व और किन किन प्रार्थनाओं से अलग अलग विधियां शुरू होती है और समाप्त होती है, इसके बारे में हमने सीखा। उसके बाद हमने ईश वचन और संस्कार, क्रिस्तीय जीवन में इनका महत्व क्या है, ईश वचन का महत्व, संस्कारों का महत्व हमने सीखा। हमने हरेक संस्कार को अलग अलग रीति से छोटे छोटे चैप्टर पाठों से हमने संस्कारों के महत्व को सीखा, संस्कार किस प्रकार हमारे क्रिस्तीय जीवन में हमें उपयोग दिलाते हैं और कलीसिया का अंग हमें बनाते हैं, इसके बारे में हमने सीखे हैं। और साथ ही साथ हमने कलीसिया में दिए गए 9 कालों को, आराधना वर्ष के 9 कालों के बारे में, कौन कौन से 9 काल हैं और वह क्रिस्तीय जीवन में किस प्रकार इस काल को हमें ईसा मसीह के जीवन के मुख्य घटनाओं को याद दिलाते हुए हम इन कालों द्वारा, इन 9 कालों द्वारा आराधना वर्ष में मनन चिंतन करते हैं और हमारे जीवन को नवनीकरित और पुनरुत्थित करते हुए एक नया जीवन बनाते हुए हम कलीसिया के साथ इस संसार में आगे बढ़ते हैं, उसके बारे में हमने सुना। और आखिर हमने समर्पित जीवन के बारे में, समर्पित जीवन जो कोई जीते उनका महत्व, वह बुलाहट जो ईश्वर का चुना हुआ बुलाहट है, वह बुलाहट हम मानवों का बुलाहट नहीं, लेकिन ईसा स्वयं हर एक व्यक्तियों को बुलाते हैं, तो वह समर्पित जीवन का महत्व हमने देखा और हमने यह सोचा कि हमारे जीवन में भी हमारा बुलाहट कहाँ है, ईश्वर हमें किस तरह पर बुलाते हैं, वह बुलाहट को प्रार्थना द्वारा, निरंतर संस्कारों का स्वीकार करने द्वारा और निरंतर वचन पढ़ते हुए ईसा मसीह की इच्छा हमारे जीवन में क्या है इसका जांच करने के बारे में भी हमने सीखा। इस प्रकार हमारे इस 9वीं कक्षा के कैटिसम क्लासेस समाप्त हो रहे हैं। प्यारे बच्चों, हम हृदय से प्रार्थना करेंगे कि हम निरंतर, हम जैसे जैसे क्लासेस में और शारीरिक मानसिक रूप में बढ़ते जा रहे हैं, वैसे ही हम आध्यात्मिक रूप में, विज्ञान में, ईश्वर के ज्ञान में बढ़ने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। एक वचन आप लोग अपने जीवन में बाय हार्ट करते हुए, उस वचन को हमारे जीवन में निरंतर उपयोग लाने के लिए एक वचन आप लोग सीख लेना। होसेया ग्रंथ के 12 अध्याय पद संख्या 6, वह वचन इस प्रकार है, उसी ईश्वर की कृपा पाकर उसके पास लौट आओ, सत्यनिष्ठ और भक्ति से अटल बने रहो, ईश्वर ही सदैव तुम्हारा भरोसा है। तो प्यारे बच्चों, हमारे जीवन के हर पल हमें कौन साथ देता है, हमारे ईसा मसीह, इसीलिए हम ईसा मसीह में विश्वास करते हैं। यह ईसा मसीह हमें जीवन के अंतिम पल तक हमारा साथ देगा, क्योंकि वचन कहता है जीवन के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। और कलीसिया में हम दृढ़ बने रहते हुए पवित्र आत्मा की कृपा द्वारा आगे बढ़ने की हम कोशिश करें। तो मेरा यह अनुरोध है कि कलीसिया में हर एक कार्य में मन लगाकर भाग लेना, हर एक संस्कारों को मन लगाकर भाग लेना और आप लोग अच्छी तरह पढ़ाई करते हुए ईश्वर के अच्छे चेले बनकर, ईश्वर के सच्चे बच्चे बनकर आगे बढ़ने की कोशिश करना। ईश्वर हम सबको भरपूर मात्रा में आशीर्वाद दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। सबको जय यीशु।